हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हैप्पी होममेकर अमी में। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं दो दिनों का सैटरडे संडे का यानी कि रांधन छठ और शीतला सप्तम का शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो व्लॉग है वो पूरा देखिए, क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छी अच्छी स्नैक्स की रेसिपी बनाने वाली हूँ और लंच की भी रेसिपी है। तो बस इसको ज़रूर से पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये सैटरडे की सुबह है, तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को दिया लगा दिया है और मेरा जो सुबह का रूटीन है वो वहीं रहता है। सुबह को मुझे टिफ़िन बनाना होता है, तो उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगाकर फिर ही नहाने जाती हूँ और उसके बाद ही मैं भगवान जी को दिया कर देती हूँ। तो बस हम यहाँ पर आ गए हैं किचन में और अभी बचे हैं दोपहर के 4। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो कल सुबह को यानी कि संडे को जो लंच में हम लेंगे वही रेसिपी है वो मैं बना लूँगी अभी। और उसके बाद मैं थोड़ा सा जो स्नैक्स है वो जो हम त्योहारों में बनाते हैं और बरसों से मतलब जो मेरी मम्मी है बनाती आई है वही मैं रेसिपी बनाऊंगी, क्योंकि वही तो फेस्टिवल का मज़ा होता है कि हम हमारे जो परंपरा है उसके अनुसार चले। तो बस यहाँ पर मैं कल के लंच के लिए दही बड़े बनाने वाली हूँ। तो दाल मैंने सुबह को ही भिगो दी थी और दोपहर को दाल को पीस कर रख दिया था, 1-1.5 घंटे के लिए मैंने उसको रेस्ट दे दिया था। तो यहाँ पर मैंने 2 कप उड़द की दाल ली थी और 1/2 कप पीली जो मूंग की दाल होती है वो ली है मैंने यहाँ पर, और थोड़ा सा नमक डालकर दाल को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल एकदम फ्लफी हो जाए, जो ये बैटर है दाल का उस तरह से इसको हमें मिक्स करना है। और ये जो पानी है उसमें हम दाल का जो ये बैटर है वो डालेंगे तो वो ऊपर फ्लोट होना चाहिए, तब भी जो हमारे दही बड़े हैं वो एकदम फ्लफी बनेंगे और सॉफ्ट बनेंगे। और इसमें मैं कोई भी इनो या फिर सोडा का यूज़ नहीं करती हूँ, फिर भी जो मेरे दही बड़े हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो जो सारे दही बड़े हैं उसको मैं यहाँ पर फ्राई कर लूँगी। और ये जो बड़े हैं वो इस तरह से फ्राई किए वो हुए भी मेरे घर में सभी लोगों को बहुत ही पसंद आते हैं। तो थोड़े बड़े मैं यहाँ पर ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि अभी भी सब लोग स्नैक्स में ये थोड़े से जो तले हुए बड़े हैं वो खाएंगे। और दूसरे गैस पर यहाँ पर मैंने एक पतीले में गर्म पानी भी कर दिया है, तो साथ साथ मैं सभी जो बड़े हैं उसको भी इसके अंदर डालती जाऊँगी, ताकि जो बड़े हैं वो गर्म पानी में एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह से मेरे जो दही बड़े हैं वो पूरे फ्राई कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं गाँठियाँ बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। और ये जो गाँठियाँ है वो मेरी मम्मी की रेसिपी है, तो जब हम लोग छोटे थे तो ये रेसिपी मम्मी बनाती थी और हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो यहाँ पर मैंने चने के जो चने का आटा है उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल दी है और तिल डाले हैं इसमें मैंने बहुत सारे, और 1 से 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी मिला दी है। तो ये जो गाँठियाँ होती है इसमें हम कोई भी सोडा का यूज़ नहीं करेंगे, ये जो गाँठियाँ हैं वो एकदम कुरकुरे होते हैं। तो ये चाय के साथ या फिर दाल और चावल के साथ खाने में बहुत मज़ा आता था। तो इस तरह की जो रेसिपी होती है जो कि हमारी मदर बनाती हैं या फिर मदर इन लॉ बनाते हैं, वही जो रेसिपी है वो मैं स्पेशली फेस्टिवल में बनाने को बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसी तरह से तो जो हमारे बच्चे हैं उनको भी पता चलता है कि क्या क्या हमारे हम करते हैं फेस्टिवल में। तो यहाँ पर जो आटा है मेरा वो दो रेडी हो गया है बनकर, तो इसको मैं 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दे दूँगी। तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको मैं ढक कर रख दूँगी। तो अब 15 मिनट के बाद जो डो है उसमें सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो इसको इस तरह के जो मशीन आता है सेव बनाने का, उसी में मैं जो गाँठियाँ हैं वो बना लूँगी। और इसको फ्राई करने को भी बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हमें फ्राई करना है। तो ये जो कुरकुरी गाँठियाँ हैं हमारे वो बनकर एकदम रेडी हो जाएंगे।
जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में रांधन छठ के दिन तो बहुत सारी वैरायटी बनती थी शीतला सप्तम के दिन खाने के लिए, क्योंकि उस दिन सभी लोग होते हैं वो ठंडा ही खाना खाते हैं। तो थेपला हम बनाते थे, काले चने बनाते थे, फिर आलू की सब्जी होती थी, फिर रायता बनता था, तो बहुत सारी चीज़ें बनती थी। मगर अब क्या है कि बच्चों को और बड़ों सभी लोगों को ये जो सारी चीज़ें हैं वो ठंडी खाने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता है। तो मैं हर बार अलग अलग जो रेसिपी है वो बनाती हूँ ताकि वो ठंडी हो और खाने में भी मज़ा आए। इस तरह से ये जो दही बड़े हैं या फिर पानी पूरी है, वेजिटेबल सैंडविच है, ऐसा ही कुछ मैं बना लेती हूँ और लंच में जो सभी लोग हैं वो चाव से खाते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से जो मूंगफली के दाने हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं और ये जो पोहा है उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो थोड़ा सा मैं चिवड़ा इसका बना लूँगी। ये जो चिवड़ा है वो हमारे घर में सभी को बहुत ही पसंद है। तो पोहे हैं वो मैंने फ्राई कर लिए हैं और उसके बाद तुरंत ही इसमें मैं मसाला कर दूँगी। तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें मैं डाल दूँगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग यहाँ पर मैं डालूँगी। और ये जो चिवड़ा है उसमें आप चाहे तो और सारी बहुत जो चीज़ें होती हैं जैसे कि सेव होती है या फिर चने की दाल होती है वो सब भी इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी इसमें मैंने मिला दी है और ये सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गाठियाँ भी देखिए एकदम अब ठंडे हो गए हैं, तो इन सभी चीज़ों को मैं एयर टाइट डब्बों में पैक करके रखूँगी, नहीं तो अभी जो मानसून का सीज़न चल रहा है तो थोड़ी सी हवा लगेगी तो जो सारा चीज़ है वो बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से करी पत्ते और हरी मिर्च है उसको भी एकदम फ्राई कर लिया है और उसको भी मैंने चिवड़े में डाल दिया है और ऊपर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर तिल डाल दूँगी, उससे जो इसका टेस्ट और इसका जो और लुक दोनों ही बढ़िया आएंगे। तो जो वड़े हैं वो अब बनकर एकदम रेडी हो गए हैं, पानी में एकदम ये भीग गए हैं और फ्लफी हो गए हैं। तो जो इसका एक्सेस वाटर है वो अच्छी तरह से हल्के हाथों से दबाकर इसको मैं निकाल लूँगी और एक अलग से बर्तन में ही इसको मैं अच्छी तरह से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अभी ये जो वड़े हैं वो कल दोपहर को लंच में हम यूज़ में लेंगे, तो बिल्कुल भी ये बिगड़े ना उस तरह से इसको अच्छी तरह से कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। आज नेक्स्ट डे यानी कि रविवार है और शीतला सप्तम का दिन है। तो यहाँ पर मैंने जो पूजा की थाली है वो रेडी कर ली है और शीतला माता को प्रसाद धराने के लिए यहाँ पर मैं कुलेर बना रही हूँ और ये जो कुलेर है वो बाजरे के आटे से बनती है। तो यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है और घी ले लिया है और उन दोनों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी जब तक जो गुड़ है वो एकदम फ्लफी ना हो जाए तब तक। और अब देख सकते हैं कि जो गुड़ का कलर है वो भी चेंज हो गया है। तो बस इसमें अब जो बाजरे का आटा है वो डालूँगी मैं और जितना बाजरे का आटा इसमें आ सके उसी तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा जो घी है वो कम है तो आप ऊपर से डाल दीजिए। तो इस तरह से जो कुलेर के लड्डू बनते हैं वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और मेरे घर में सभी को बहुत ही पसंद है। तो बस इसके मैं छोटे छोटे जो लड्डू है वो बना लूँगी ताकि बिल्कुल भी वेस्ट न जाए लड्डू, क्योंकि ये जो लड्डू है वो हम प्रसाद में भगवान को धराएंगे। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दूँगी ताकि देखने में भी ये अच्छे लगे। पहले तो हम मतलब जब मैं छोटी थी तो शीतला माता जी की पूजा करने के लिए हम लोग मंदिर में जाते थे, सारे जो हम फ्रेंड्स होते हैं या फिर पड़ोसी होते हैं तो सभी लोग हम मिलकर जाते थे मंदिर में और वहाँ पर पूजा करते थे, प्रसाद एक दूसरे को सभी लोग देते थे तो बहुत ही मज़ा आता था। तो बस ये जो मेरे लड्डू है वो बनकर एकदम रेडी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले गैस का जो चूल्हा है उसकी पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं दिया जलाकर जो गैस का चूल्हा है उस पर मैं स्वस्तिक बना लूँगी और उसकी मैं पूजा कर लूँगी। और जो मैंने कुलेर के लड्डू बनाए थे उसके साथ मैंने नारियल है उसको भी प्रसाद में यहाँ पर रखा है, तो मैं वही जो चीज़ें हैं वो भगवान को प्रसाद के रूप में भोग लगा दूँगी।
तो इन्हीं छोटी छोटी जो बात होती है उससे फेस्टिवल का मज़ा आता है और हमें भी हमारी जो रूटीन है उसमें कुछ चेंज मिलता है। तो यहाँ पर मेरी जो पूजा है वो हो गई है। सभी लोग अलग अलग अपनी परंपराओं के अनुसार जो फेस्टिवल है उसको मनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप किस तरह से रांधन छठ और जो शीतला सातम होती है उस दिन क्या क्या करते हैं और किस तरह से मनाते हैं। तो अब हो गया है लंच का टाइम। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर दी है। नमक ले लिया है, भुना हुआ जीरा लिया है जिसको मैंने कूट दिया है, लाल मिर्च ली है, धनिया पाउडर, पिसी हुई चीनी और उसके साथ पोमग्रेनेट लिया है और ये जो दही है उसमें मैंने चीनी मिलाकर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो बस यहाँ पर जो प्लेट है वो मैं रेडी करती जाऊँगी दही वड़े की और एक एक करके सभी लोगों को मैं लंच के लिए बिठा दूँगी। तो इस तरह से मैं जो वड़े हैं उसके दो टुकड़े कर दूँगी ताकि जो दही और मसाले हैं वो उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और खाने में भी मज़ा आए। तो आप देख सकते हैं कि जो वड़े हैं वो कितने फ्लफी और एकदम सॉफ्ट बने हैं। तो इसमें अच्छी तरह से मैं दही उसको डाल दूंगी। ये जो दही है वो मीठा है और इसको मैंने थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया था ताकि ये जो दही है उसमें कोई गट्ठे ना रहे। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो चीनी है वो डाल दी है, पिसी हुई धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है यहाँ पर मैंने, और ये जो भुना हुआ जीरा है वो मैंने डाल दिया है, और ये थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और जो जीरा है उसका मैं एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाती हूँ, तो थोड़ा सा जो क्रंचीनेस होता है जीरे का वो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर मैंने जो पोमग्रेनेट है उसके जो दाने हैं वो भी डाल दिए हैं और थोड़े धनिया पत्ते डाल दिए हैं इसमें मैंने। तो बस ये रेडी हो गया हमारा लंच। और शाम को हम लोग बाहर गए थे तो हमने वहीं पर डिनर कर लिया, पाव भाजी, छोले भटूरे और डोसा हमने मंगवाया था। तो बस आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर पूरा करती हूँ और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा। बाय बाय।